गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरे मम्मी का एक प्रश्न है, वो हाँ? आपसे बात करना चाहते हैं। कराओ। मैं बोल रहा हूँ, डरा हूँ। जब एक मिनट जल्दी जाइए ना भैया, वहीं लेके आ रहा था मैं। बैठो सब लोग, मैया बैठो। गुरुजी राधे राधे। पति को ले आओ, जाओ। राधे राधे गुरुजी। ले आओ, बात करें, जाओ। तो फिर रहन दो, कहाँ है, चलो बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी जी, पहले तो मैं आपके माता पिता को प्रणाम करना चाहती हूँ। खुश रहिए। राधे माँ को प्रणाम करना चाहती हूँ। आप जैसे बेटा जो पाई हैं, आप जैसे पति पाई हैं, और दूसरा पसंद है कि हमारे पति जी मीट मांस मच्छी खाते हैं, हम पूजा करते हैं तो हम उनका कहते हैं पति का जूठन प्रसाद होता जगन्नाथ स्वामी का, तो हम उनका जूठन खा सकते कि नहीं? कह कर तो मांस का जूठन मत खाओ। पति कहाँ है आपके? यहीं पर है। बात कराओ, बात कराओ, बात कराओ। आओ पापा। आ जाओ भैया, आओ। अब जब भी मछली मांस खाते थे हम रोते बहुत, आज किसी का प्राण ले लिया इन्होंने, हम बहुत रोते हैं। बात कराओ। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। क्या नाम है आपका? लाल जी। लाल जी, मांस खाते हो? खाते हैं सर, ढलाई करते हैं फैक्ट्री में 8 घंटे। क्या करते हैं? ढलाई का काम करते हैं फैक्ट्री। ढलाई? हाँ, गैस भरता रहता शरीर में, तो बाऊ खिलाता है तो खा लेता हूँ। तो मांस खाना सही है? नहीं, शरीर तो नहीं है, लेकिन बाऊ देता तो खा लेता हूँ। कौन देता है? मालक। मालिक देता? हाँ। तो मालिक गोबर देगा तो गोबर भी खा लोगे? नहीं। क्यों? गोबर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? कुछ नहीं। गोबर क्यों नहीं खाओगे ये बताओ? वो खाने वाली चीज है नहीं। हाँ, तो मांस कौन सा खाने वाली चीज है? सर सारी दुनिया खा रही है, हम भी खा रहे हैं। सारी दुनिया खा रही है तो आपके पिताजी दादाजी जब मरे तो उनको भी खा जाओ, मांस तो उनके शरीर में भी होता है। आपके पिताजी हैं? नहीं। तो आपने उनको शमशान में जलाया था कि पका के खा गए थे? नहीं, शमशान में जलाया था। पका के क्यों नहीं खाए? कुछ नहीं, कुछ नहीं सर। नहीं, उनको पका के क्यों नहीं खाए पूछ रहे हैं हम। कोई मर जाए आदमी तो उसको पका के खा लेना सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? आप तो मछली का मांस खाते हो, मुर्गे का मांस खाते हो, बकरे का मांस खाते हो, तो जब इनके अंदर जो मांस है वो खा जाते हो, तो आदमी का मांस भी तो मांस ही है। ठीक है सर, नहीं खाएंगे। हैं? नहीं खाएंगे आज से। क्यों नहीं खाओगे? कुछ नहीं। अब भाई आपका सेठ, आपका मालिक गोबर देगा तो आप गोबर नहीं खाओगे, मांस देता है खा। आपकी उंगली जरा एक काट के हमें तो हम भी खाएंगे उससे। नहीं, दोगे? नहीं हो पाएगा। नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? दर्द होगा ना आपको? ऐसी मछली तड़पती है कि नहीं पानी से निकलने पर? मछली को दर्द होता होगा? हाँ जी। मुर्गी को दर्द होता होगा जब उसके पंख नोचे जाते हैं? होता है। तो क्यों आप लोग निर्दयी होके क्यों उसका दर्द नहीं समझते? ठीक है, ये मानव का शरीर है, हम इंसान ही दया कर सकते हैं। कुत्ता बिल्ली से दया की उम्मीद थोड़ी होती है। तो आप इंसान हो के दया ना करें तो फिर इंसान होने का अर्थ क्या है? ठीक है, ये बात। और आपकी पत्नी कितनी अच्छी है बेचारी, बोल रही है कि पति का जूठन पत्नी के लिए प्रसाद होता है, और आप बताओ जूठन में मांस छोड़ोगे? बेचारी सात्विक पत्नी है। नहीं, घर में तो नहीं बनाता, घर में कभी नहीं बनाया, घर में तो कभी नहीं बनाया, बाहर जो मर्जी खाओ। तो बाहर भी क्यों खाओ? बाहर मांस खाओगे तो उसका पाप नहीं लगेगा क्या? नहीं लगेगा तो सही। तो क्यों खाओगे? चलो बात नहीं खाओ। और आपको जो खिलाते हैं वो आपको बादाम क्यों नहीं खिलाते, काजू क्यों नहीं खिलाते, पिस्ता क्यों नहीं खिलाते, मछली ही क्यों खिलाते हैं? सवाल है, बताओ, उत्तर दो। उत्तर तो मेरे पास नहीं। सारे बोलते हैं हम मछली खाएंगे और बाकी कुछ नहीं खाएंगे। आप बोलना कि भाई हमें हमारे लिए बादाम लाओ, हमारे लिए काजू लाओ। काजू खाओगे ना तो और अच्छे रहोगे, बादाम खाओगे और अच्छे रहोगे और शक्ति रहेगी। मछली हड्डियां चबाने से क्या होगा? ठीक है। आज से नहीं खाओगे? गुरु महाराज शराब भी पीते हैं। बात करने दो। आज से पक्का वादा नहीं खाओगे मांस? पक्का वादा नहीं। नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे। पक्का? पक्का वादा। तो वादा तोड़ोगे तो नहीं? नहीं जी। और शराब भी पीते हो? शराब तो कभी कदार 6 महीने में कहीं एक बार। तो कभी कभी भी गलत काम क्यों? बेटा है आपका? आपका बेटा है? आपका बेटा है? हाँ है।
कितना बड़ा है? 26 साल का। अच्छा, तो वो भी शराब पीता है? नहीं, वो हमारे सारे, वो बंबई में फिल्म में काम करता है, पता नहीं पीता कि नहीं पीता। और वो मांस न खाता है और करने दो उनको बीयर पीता है। तुम सब ही आज कर दो, बैठो यहाँ। इनके बेटा आप बात करो, पिताजी को बात कराओ, पिताजी को आप खड़े रहो। क्या नाम है बेटे का? संदीप। संदीप, ये शराब पीता है बच्चा? अब मेरे सामने तो नहीं पीता। आप चाहते हो कि शराब पिए? नहीं, नहीं चाहते। अच्छा, जब आप अपने बेटे को शराब नहीं चाहते तो फिर आप खुद क्यों पीते हो? अच्छा, शराब पीना सही है? नहीं, है तो गलत, लेकिन अब तो जब आपकी अंतरात्मा कह रही है कि गलत है तो क्यों पीते हो? वो देख के दिल नहीं मानता है। अरे यार, देख के दिल नहीं मानता, फिर बेटा भी पिएगा? फिर जब फैक्ट्री में छुट्टी करते बोलते चलो यार 100-100 ग्राम हो जाए, मैं कहा चलो। अरे वाह, 100-100 ग्राम हो जाए, इससे क्या हो जाता 100-100 ग्राम से? बोलता तनख्वाह मिला है, कुछ खर्च वर्च करो। अरे तो खर्च करना है तो कुछ अच्छे काम में खर्च। 100 ग्राम शराब कितने की आती है? नहीं, कुछ गरीबों को भी दान करता हूँ, हर महीने 1000-2000 उड़ा देता रहता हूँ, ये बात नहीं, लंगर लुंगर लगाते रहता हूँ। ठीक है, पर शराब क्यों पीना है? अच्छा एक बात बताओ, अब की बार जब शराब पीने का मन करे तो कितने 100 ग्राम पीते हो? कितने की आती है? 1000 रुपए की? 100 रुपए। तो 100 ग्राम शराब जब अगली बार आप पीने का मन करे तो 50 ग्राम शराब बेटे को पिलाना, 50 ग्राम आप पीना। बेटे को पिलाओगे? क्यों नहीं, अपने सामने तो नहीं पिलाएंगे। क्यों? अगर एक दिन पिलाएंगे दोबारा फिर पिएगा। हाँ, तो जो बेटे के लिए गलत है वो आपके लिए भी तो गलत है। अच्छा, आप बेटे से बात कराओ। महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। आप शराब पीते हो? नहीं। अच्छा, आप चाहते हो कि आपके पिताजी शराब पिए? नहीं। आप चाहते हो कि ये छोड़ दें? जी। तो देखो, आपके बच्चे चाहते हैं कि छोड़ दें, तो काहे, इससे क्या मिल रहा है आपको? मैं तो महाराज जी इसलिए नहीं पीता क्योंकि मैंने शराब से और गांजे दारू से मैंने बहुतों के घर उजड़ते हुए देखा है। उनमें एक आपके पिताजी भी हैं शराबी। अब नहीं पीना। शराब पीना यदि अच्छा है तो अपने बेटे को जरूर पिलाना, और बुरा है तो खुद भी मत पीना, ठीक है? क्या करते हो आप? मेरा महाराज जी, मेरा शूटिंग लाइन का काम है मुंबई में। क्या शूटिंग करते हो? हम लोग फिल्में, वेब सीरीज, एड, फिल्म सब कुछ करते हैं, सीरियल वगैरह सब। ठीक है, अच्छा है, खूब काम करो। गलत रास्ते पर तो नहीं चले गए? नहीं सर। शराब नहीं पीते, मांस तो नहीं खाते? खाता हूँ महाराज जी। क्या? वो भी मेरा मजबूरी होता है मुंबई में खाना, क्योंकि कभी उधर करेला की सब्जी आ जाता है, कभी बैगन आ जाता है, तो मैं मजबूरी में खा लेता हूँ ओनली फॉर ग्रेवी। नहीं तो करेले की सब्जी तो अच्छी है। लेकिन महाराज जी मैं नहीं खाता, स्टार्टिंग से ही नहीं खाया बचपन से। तो मांस खाते हो? नहीं, मांस भी नहीं खाता, खाली ग्रेवी। वो भी आप तो कह रहे हो मांस खाते हैं। मांस नहीं खाता हूँ, खाली ग्रेवी। अंडा खा लेता हूँ, ग्रेवी खाता हूँ, मांस। ग्रेवी क्या होती है? चिकन का ही ग्रेवी। अच्छा, मतलब मांस का ही ऊपर का वो लिक्विड पदार्थ? जी। है तो मांस ही, उसमें टुकड़े कुड़े तो रहते ही होंगे कुछ ना कुछ। नहीं महाराज जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ग्रेवी खाता हूँ, वो भी मेरी मजबूरी है इसके लिए। नहीं तो आप ना बढ़िया अपने लिए, वहाँ सब्जियाँ नहीं मिलती क्या? महाराज जी मिलती है, लेकिन सुबह वहाँ पानी भरने के लिए 4 बजे उठना पड़ता है, अगर खाना बनाना हो तो मुझे लगता है 2:30-3 बजे तो उठना ही पड़ेगा। खाना तो नहीं बनाओ, ठीक है, फिर भी सब्जियाँ यदि मांस बाजार से मिला हुआ खा रहे हो तो सब्जियाँ भी तो मिल जाएंगी। गोभी की सब्जी मिल जाएगी, मटर की सब्जी मिल जाएगी, पनीर की सब्जी मिल जाएगी। महाराज जी रूम पे तो वेजिटेरियन ही बनता है, बट हम लोग शूटिंग में नॉनवेज खा लेते हैं क्योंकि। ना खाओ, अच्छी बात है, हम भारतीय हैं। देखो, हम अमेरिका वालों से तो नहीं कहते कि तुम मांस मत खाओ, हम जापान वालों से तो नहीं कहते तुम मांस मत, क्योंकि वो लोग उस चीज़ के आदि हैं। हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग विश्व गुरु रहे हैं, और जमाना कितना भी गलती कर ले, कितने भी गलत राह पर चले जाए, लेकिन गुरु को गलत राह पर नहीं जाना चाहिए। हम समाज के मार्गदर्शक रहे हैं शुरू से, हम अहिंसा के पुजारी रहे हैं शुरू से, भारत अहिंसा का पुजारी है। तो जिस देश में अहिंसा की बात हो वहाँ हत्या करके मांस खाने की बात कैसे हो सकती है? हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें अलाउ नहीं करता ना, समझो। वो लोग अलाउ करते होंगे, ठीक है। अब बहुत लोग तो निर्वस्त्र होकर फोटो भी खिंचाते हैं, आपकी लाइन में कितने लोगों ने, अभी एक सुपर डुपर स्टार ने निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई, सही है जी? सही है, फोटो खिंचाई, आपको तो पता होगा। हाँ। क्या नाम था उसका?
नाम तो नहीं पता लेकिन है, मैंने भी सुना ये चीज फेसबुक इंस्टा। अरे रणवीर है बताओ, उसने निर्वस्त्र होके फोटो खिंचाई। अब एक बात बताओ, क्या आप खिंचवा सकते हो निर्वस्त्र होके फोटो? नहीं नहीं, क्यों नहीं? मेरे को शौक नहीं है उतना। शौक होगा तो भी आप मर्यादित हो, वो लोग अलग लोग हैं, उनके विचार अलग हैं, वो तो पैसे के लिए नंगे भी हो जाते हैं, लेकिन आप और हम लोग एक अच्छे समाज से हैं, अच्छी संस्कृति से हैं, अच्छे धर्म से हैं, हम पैसों के लिए अपना ईमान बेचने वाले लोग नहीं हैं। एक वो होते हैं जो पैसों में बिक जाते हैं, करोड़ दो करोड़ दे दो तो वो निर्वस्त्र होके फोटो खिंचा लिया उसने, लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जिनको आप 100 करोड़ दीजिए तो भी वो निर्वस्त्र नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो देखो समाज में दो, सबकी तुलना सबसे नहीं हो सकती। अब देखो एक स्त्री आपके गांव की स्त्री है जो करोड़ों देने के बाद भी अपना चरित्र नहीं बेचेगी, और समाज में ऐसी स्त्रियां हैं जो 500 रुपए में भी अपना चरित्र बेच रही हैं। हाँ या ना? हाँ। तो क्या उन स्त्रियों से उन स्त्रियों की तुलना हो सकती है? नहीं महाराज जी। उसी तरह जैसे उस गलत स्त्री से सही स्त्री की तुलना नहीं हो सकती, उसी प्रकार लंदन जापान के लोगों से भारत की तुलना नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हम सात्विक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। अब जमाना मांस खाए, गांजा पिए, सिगरेट पिए, दारू पिए तो पीता रहे, हम तो ना पिए। हम उस विचारधारा के लोग नहीं हैं, हम अपनी संस्कृति वाले लोग हैं, अपने धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं। जमाना कहाँ जा रहा है, हमें क्या करना, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जी? सही है? सही है महाराज जी। तो आप लोग कोई भी गलत काम ना करिए, कोई कितना भी मांस खाए। नहीं महाराज जी, गलत काम तो कोई नहीं करता, गलत काम ना करूं। गलत काम का मतलब यही है मांस इत्यादि, शराब इत्यादि, हम इसी की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है? ठीक महाराज जी। प्रणाम गुरु जी। क्या कह रहे हैं पिताजी? क्या गुरु जी प्रणाम। खुश रहो, अब नहीं खाना, पक्का? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चलो ठीक है महाराज जी, प्रणाम। हम लोग अयोध्या से आए हैं गुरु जी। हाँ। हम लोग अयोध्या के रहने वाले हैं। तो फिर भी खाते हो मांस? 6 किलोमीटर दूरी है, लेकिन अब क्या करें, यहाँ पंजाब में ना ना ना, अब नहीं खाना। चलो सब ठीक है महाराज जी, प्रणाम, खुश रहो। महाराज जी मेरी एक और इच्छा थी। हाँ। मुझे आपके साथ फोटो लेने हैं। अभी अंदर बैठेंगे तो 4 फोटो ले लेना। ठीक है महाराज जी, सब बैठो। हेलो गुरु। हाँ। महाराज जी अब सबको मौका दो मैया। हाँ एक मिनट, हम अपने जो हमारी बड़ी वाली लड़की है उसके 2-3 बच्चे ख़त्म हो गए थे, और उसके बाद एक दूसरा बच्चा जो तीसरा बच्चा हुआ है उस जो जैसे पेट में आया तैसे मैं उसके लिए जो आपने गुरु मंत्र हमें दिया है हम उसी का अपने मन में ध्यान करके माला उसी जाप का, करती उसी थी। का जाप करिए। चलो जाप करके उसके बाद उसने हमको आज समझ लो उसकी गोदी खट ठाकुर जी ने भर दिया है, तो हमने उसका मुंडन कराने के यहाँ मानता किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमारे इसके ससुराल वाले कहते हमारी कुल देवी है वहाँ पे कराएंगे। हाँ, और तो यहाँ नहीं तो कोई बात नहीं, वहाँ करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मन्नत यहाँ मांगे तो वहाँ क्या करें, कैसे करें हम? देखो यहाँ भी करा सकते हैं, वहाँ भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जहाँ आपका मन हो वहाँ चलो। और ठाकुर जी को हम एक जो वहाँ से बंदरा बिल के बंदरा बिल क्या बोलते हैं जो यमुना जी हैं वहाँ के जो जहाँ पर चीर चुरा के राधिका जी को सबका चीर चुरा के बेड पर बैठते थे। हाँ। उसी के नीचे की रज हम ले जाके और अपने घर में ठाकुर जी बनाए हैं अपने हाथों से, उन्हीं की हम पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा करो। चलो खुश रहो, पूजा करते रहो, भगवान से प्रेम करो बस।